हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा, आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, गर्मियाँ आते ही सबसे पहले जो नाम दिमाग में आता है वो है आम। गर्मियों में आम बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं, तो आम बच्चों को कब से देना चाहिए? क्या 6 महीने के बच्चे को आम दिया जा सकता है? कितना देना चाहिए? आम खाने से बच्चे को क्या क्या फायदे मिलते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आम आम बच्चों को देना सुरक्षित है या नहीं, सबसे पहले बात में आता है। तो दोस्तों, बच्चों को आम देना वैसे तो सुरक्षित माना गया है। 6 महीने तक बच्चा माता के दूध पर रहता है, मदर फीड पर रहता है, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है आप उसको आम दे सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक तो आम आपका नेचुरल पका हुआ होना चाहिए, होता ना डाल का है या फिर उसमें जो रसायनों में कार्बाइड में पकाया जाता है उसमें पका हुआ आम आपका नहीं होना चाहिए, डाल का पका हुआ आम होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, आम की क्वांटिटी। सबसे पहले आपको बच्चे को थोड़ा ही आम देकर देखना है। अगर आपके बच्चे को आम से कोई भी एलर्जी नहीं है, कभी कभी बच्चों के मुंह में खुजली हो जाती है, पलकों पे सूजन, पसीना आना, उल्टी जैसी समस्या हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को आम से एलर्जी है। लेकिन शुरू में आपको बिल्कुल पका हुआ दब, जो हाथ से हल्का सा दब जाए, धब्बेदार आम आपको नहीं लेना है, फ्रेश आम लेना है, पका हुआ नेचुरल तरीके से जो आम पकाए जाते हैं वही आम आप लें बच्चों के लिए, वो आम ले। छोटे छोटे पीस करके बच्चे को खिला सकते हैं और 6 महीने के बच्चे को आपको प्यूरी बनाकर ही खिलाना है। तो इस तरीके से आम दे सकते हैं, लेकिन शुरू में क्वांटिटी आपको बहुत थोड़ी रखनी है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी से हो सकता है कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादा आम खाने की वजह से बच्चे को दस्त हो जाने की समस्या होती है। तो अगर आपके बच्चे ने थोड़ा ज़्यादा आम खा भी लिया है तो टेंशन ना ले, उसके ऊपर आप बच्चे को दूध जरूर पिला दें। दूध से क्या होता है कि बच्चा आम को अच्छे से हजम कर पाता है और दूध आम की जो गर्मी होती है उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि छोटे बच्चों को आम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और ज़्यादा आम खाने की वजह से जिन बच्चों का खून गर्म होता है तो उनको दाने की समस्या हो जाती है, फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए पहली बात तो आम के जो ऊपर आप खोलते हैं जब आम को, तो पीप निकाल दें, उसके अंदर एक चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है, तो सबसे पहले तो उसको निकाल दें और उसको निकाल कर अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद छील कर उसकी प्यूरी बनाकर बच्चे को दें। और थोड़ा बड़ा बच्चा है, पीस में काट कर दे रहे हैं, तो पहले आधा आम ही बच्चे को दें, क्योंकि बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है आम और बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा खा भी लेते हैं, तो आप बच्चे को दूध जरूर पिला दें जिससे कि बच्चे को फोड़े फुंसी की समस्या ना हो। और जब भी आम खरीद कर आप लाते हैं तो उसको 1 से 2 घंटे के लिए पानी में डालकर छोड़ दें, क्योंकि आम अंदर तक ठंडा होना चाहिए, पानी में आम की गर्मी निकल जाती है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आम बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद भी हो सकते हैं। देखिए, फलों का राजा है आम। भारत में बहुत ही अच्छी तादाद में आम पाया जाता है और आम सभी लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों, पसंद के साथ साथ आम में इतने ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। आम में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है दोस्तों। डायबिटीज़ ना हो इसमें मदद करता है, हार्ट रोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, उक्त जो हाई बीपी की समस्या है उसमें बहुत फायदेमंद होता है। तो आम में बहुत सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बच्चों की याददाश्त तेज करने के लिए आम बहुत ही फायदेमंद माना जाता है दोस्तों, क्योंकि आम एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो बच्चे की दिमागी शक्ति को इंक्रीज करने के लिए फायदेमंद मानी जाती है। तो आम बच्चे की याददाश्त को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चों को स्कर्वी रोग से बचाता है, स्किन संबंधी या फिर मैं कहूँ मसूड़ों के जो रोग हो जाते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाले जितने भी रोग होते हैं, तो उससे आम आपके बच्चे को बचाता है। हार्ट की जो गति होती है उसको बैलेंस रखता है और आपके बच्चे का जो हाई बीपी या बीपी की समस्या बच्चों की नहीं होती है, कि ब्लड प्रेशर की अगर किसी बच्चे को समस्या है, वैसे तो बच्चों को ये समस्या नहीं होती है, एक उम्र के बाद ही ये समस्या होनी शुरू होती है, तो अगर बच्चे को कहीं भी ये समस्या है तो उसमें भी ये फायदा करता है। बच्चे के हार्ट को मजबूत रखता है, एनीमिया की समस्या से बचाता है दोस्तों। इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो खून की कमी से होने वाले जितनी भी रोग हैं उनसे बच्चे को बचाता है और खून को आपकी बॉडी में इंक्रीज करता है।
तो बच्चों के लिए तो दोस्तों हर तरीके से आम फायदेमंद है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आप क्वांटिटी का ध्यान रखिए। जब भी बच्चे को आम इंट्रोड्यूस करें तो आप उसके रिएक्शन का ध्यान रखें कि बच्चे की बॉडी पर इसका क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे के लिए ये बहुत ही अच्छा फल साबित होगा। आप क्या क्या बनाकर इसका दे सकते हैं? देखिए दोस्तों, छोटे बच्चे को तो आप प्यूरी ही इसकी बनाकर दे सकते हैं, तो बच्चे को इसकी प्यूरी बनाकर दे सकते हैं। आम का आप हलवा बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। कुछ लोग जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, मैंगो शेक वगैरह बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। तो जैसे भी जिस भी फॉर्म में आपका बच्चा खाना पसंद करता है, जो भी आपके यहाँ पर बनता है, उस फॉर्म में आप बच्चे को चीज़ें आम की बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगी कि आम से जुड़ी हुई ये रोचक जानकारी तो दोस्तों उम्मीद करूंगी कि आम से जुड़ी हुई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।